स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। सुशासन बाबू के राज में नहीं लग रहा है अपराधियों पर लगाम। बाइक छीनने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली, बाइक सवार की हालत नाजुक। सुपौल जिले के गोलिया रामपुर के निवासी विद्यम शर्मा मानपुर से अपने घर आ रहे थे कि उसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनका बाइक छीनना चाहा, लेकिन जब प्रीतम शर्मा ने उसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसको गोली मार दिया। उसके बाद गोली लगने से प्रीतम शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय लोगों की मदद से प्रीतम शर्मा को एक निजी नर्सिंग होम अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि फिलहाल उनका स्थिति अब ठीक ठाक है। इससे पहले भी सुपौल में एक युवक को गोली मारने की घटना सामने आई थी। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे में बेलगाम अपराधियों पर पुलिस कब तक लगाम लगा सकती है। प्रीतम शर्मा उसका नाम है और ये मानगंज गलिया रामपुर का रहने वाला है। और घटना हुई है सर, उसका क्या पोजीशन? ये प्रीतम शर्मा नाम का लड़का है जो कि मानगंज की तरफ से आ रहा था और राजपुर गलिया उसका घर है और बाइक छीनने के चक्कर में उसको गोली लगे। उसका नाजुक स्थिति सही है अभी और गोली भी निकल चुका है। क्या स्थिति है अभी? स्थिति ठीक है, सम्मानजनक है।